नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबर सहिते स्टुडिओत मय मुनमी जोता सेंडेलो मालारे हत्यारंजन बराक आदरीबले हाजु होय परिसे ढिंगपाखी राइज मा कामाख्या मंदिर सन्दर्भ वितर्कित मंत्य आगे विधायक आमिनुल इस्लामे और आमिनुल इस्लाम वितर्कित मंत्य पीछते प्रतिक्रिया प्रकाश कर हिंदुत्वी नेता सत्यरंजन बराई और विधायक आमिनुल इस्लामक दुदिन भर ग्रेप्तार नक सत्यरंजन बराई घर गई आक्रमण मंत्य कर सत्यरंजन बरार विरुदे सरब हो ढिंगी राइज और इमें जाना गई गुरुत्वपूर्ण खबर तो सत्यरंजन बराक आदरीबले हाजू ए आई यू डि एफ कर्मी सत्यरंजनक आदरीबले एक सुंदर पदक्षेप लैसे ढिंगी राइजे ढिंग गई आमिनुल इस्लामर बसगृह घेराव कर शंका दी सत्यरंजन बराई और यार पिछते सत्यरंजन बराक आदरीबले हाजू होते ढिंगी राइज ए आई डि एफ कर्मी दाबी सिंगा सेंडेल फटा जोता सको गोटा से ढिंगी राइजे और एटा सत्यरंजन बरा अहाल पाँच ठाई आज ढिंगी राइजे वितर्कित मंत्य कर विधायक आमिनुल इस्लामक दुदिन भर ग्रेप्तार नक सत्यरंजन बराई आमिनुल इस्लामर बसगृह गई आक्रमण शंकार दी और तार पिछते एटा सरब होते ढिंग समष्टिर ए आई डि एफर कर्मी और सैये अह आठ डिसेम्बर तारिखे ढिंग समष्टित सत्यरंजन बराक निमंत्रण जानसे ए आई डि एफर कर्मी और एटा सत्यरंजन बराक आदरीबले हाजू हो ए आई डि एफर कर्मी कर्मी जोता सेंडेल मालारे आदरणी जानवे प्रस्तुति चलते हिंदुत्वी नेता सत्यरंजन बराक हिंदुत्वी नेतागर आगमने अप्रीतिकर घटना सृष्टि ढिंगी राइजे प्रकाश कर मंत्य समाज कलंकित कपुरु सत्यरंजन बरा तर कारण सेंडेल माला रेडी रखी आठ तारिख तो आबी शुना पाई तू ढिंगी धुनिया के पिन्ह दिन तुक वेलकाम करम तुक यू पिन्ह पे हाँ आठ डिसेम्बर घर घेराव कर कथा तो आमी गम पाई गम पाई पे आम ढिंग राइजे तखेतर कारण तखेतक आदरीबर कारण सेंडेल और सिंगा जोता जिमानबूर आसे सब आम एकलग कर तखेतर कारण माला बनाए आम रेडी आसो तखेत जाते आहे आम धुनिया के तखेतर गोटे शरीर जाते सेंडेल और जोतार माला पिन्ह दी पार কাক মালাটো কাক দিব সত্যরঞ্জন বোলা নামৰ এটা যে অপদার্থ যেটো আছে সমাজৰ কলংকিত ব্যক্তি এই ব্যক্তিজনক চাওক এটা কথা বিভিন্ন সময়ত দেখা পাইছোঁ সি মুসলিম বিশেষকৈ মুসলিম জাতিটোক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি থাকে আৰু এই মন্তব্যবিলাক শুনাৰ পিছত আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে এই মানুহটো 100% ই আর এস এছৰ এজেণ্ট হ'ব আৰু আর এস এছৰ এজেণ্ট হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আজিলৈকে জেল হাজতৰ ভাত নোখোৱাকে সি খোলা আকাশৰ মৈদানত সি বিচৰণ কৰিব পাৰিছে সামান্য কথা কোৱাৰ পিছতো যদি আমাৰ চি এম মহোদয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নেতা পালি নেতাবোৰক যদি জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে এই সত্যৰঞ্জন বোলা অপদাৰ্থটোৱে যে আজি কেইটামান বছৰ ধৰি যে সি অশ্লীল মন্তব্য কৰি আছে অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে অহমত ঘটি যায় তার যে আপ্রাণ চেষ্টা করে আছে আর এই মানুষটুক আজিলৈকে কিয় গ্রেপ্তার করব নোয়ারিলে ইয়াত আমার সন্দেহ হয়েছে যে নিশ্চয় আর এস এসর চামচা হবো